सिचुएशन हो गया भाई, ये तो चला गया सिक्योरिटी चेन के बाद। फिर जैसे मैं जा रहा था वो हिंदी में बोलती, पानी दे रहा है, पानी दे रहा है, पूरा भाई सही है, सही है। ये दूसरी बार ऐसे में करता हूँ, इस बार तो फिर लगा, लगाओ इसको, लगाओ इसको, लगाओ होली रे। चलो So guys, happy होली टू एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग गाइस। आज हम जा रहे हैं, आज 17 तारीख है, होली तो कल है पर आज ही बना रहे हैं, आज रात को निकल रहे हैं हम लोग मतलब मैं निकल रहा हूँ, तो हम लोग बना रहे हैं थोड़ी सी होली, यहाँ पर चल रही फोटो शूट, हम चले जाएंगे इसलिए हम तो होंगे। गाइस हमारी बिल्डिंग में नीचे होली का दहन हो रहा है, ये गाइस अग्नि के पूजा और फेरे लिए जा रहे हैं होली के साथ। जैसे कि आप सबको मालूम है ये आज फ्लाई करने वाला है, लास्ट ईयर भी इसने सेम टाइम में फ्लाई किया था ऑन 18th, जस्ट वन डे बिफोर होली, बट इस टाइम द टाइम इज अलग बिकॉज ही इज मैरिड। व्हेन यू आर मैरिड यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हेन यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज साइना सबका मालिक है। ये पेपर तेरे तक नहीं है ना रखते, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, हैप्पी सेलिंग, एंजॉय भारत माता की जय। देव चलो गाइस मेरा सामान ले आओ सब लोग, कम ऑन एवरीवन, पापा ही बाय, पापा छोड़ आ रहे छोड़ने, आज भाई चल पड़ो मुझे छोड़ने सालों, ये काम बाद में कर लेना, टाइम टू गो, अभी निकल रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए, सब लोग आ रहे हैं एक्सेप्ट फादर, पापा को बाय कर देता हूँ, बहुत चिल्लाते हैं पापा ही बाय बाय। चलो भाई सो धुआं था ड्राइवर है हमारे आकाश ठाकुर, हमें 10 मिनट में पहुंचाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बोलो तो गाइस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए हम लोग, इधर से आगे से चल रहे हैं, हमेशा यहीं पर ही पार करते हैं हमारा मेन अड्डा, और आज हम जूबी को ट्रॉली कैसे ले जाते हैं सिखा रहे हैं। गाइस $1.77 सो गाइस पहुंच गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, फाइनल बाय बाय टू एवरीवन करते हैं। अंदर पहुंच गया हूं, लाइन में लग गया हूं, एयर फ्रांस की है हमारी लाइट, फटाफट पहले काम करते हैं फिर बात करेंगे, साला पिछली बार काउंट हुआ था इस बार होना नहीं चाहिए। गाइस मेरा चेक इन हो गया है, मैं आपको अपने थर्ड ऑफिसर से मिलाता हूं, तीन साहब हाय बोल दो ब्लॉग को, हाय बोल दो, परेशान लग रहे हो, हाय हाउ आर यू, ये कुछ नहीं बोला ना, मेरे को ऐसे पागल बना रखे हैं इन लोगों ने, चलना तो बात करते हैं, कुछ नहीं है। अगेन आई एम गोइंग टू पनामा ओनली, इस बार एक्चुअली मैं जा रहा हूं मुंबई से पेरिस, पेरिस टू पनामा, अभी चेक इन हो गया है, उन्होंने बोला है कि एक QR कोड जनरेट करना है, सब डिटेल्स भरनी है, वो अपना थर्ड ऑफिसर कर रहा है मेरा भी। इमिग्रेशन जो है पीछे चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, इमिग्रेशन हो गया भाई, दिल एकदम रिलैक्स,
अभी आ गए हैं, जाएंगे आराम से चिल मारेंगे। अभी टाइम 11:40 हो रहा है, बहुत टाइम है, 2 बजे की फ्लाइट है, आराम से, टेंशन नहीं है। सो गाइस हमारे साथ जा रहे हैं थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, कैप्टन और क्रू जो है वो अलग से आ रहे हैं। हम लोग यहाँ से जाएंगे पेरिस, पेरिस से है हमारा पनामा सिटी, तो बहुत टाइम लगने वाला है। कल होली, होली तो हम लोग खेल नहीं पाएंगे, आज थोड़ी मोड़ी खेल के आ गया और अभी हम लोग अंदर आ गए हैं। सो गाइस पनामा के लिए हम लोग ना कुछ तो रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन करके हमको एक लिंक जनरेट करना है, वहाँ पर हम जब पनामा में जाएंगे तो दिखाएंगे। और मेरी हेल्प कर रहे हैं मिस्टर थर्ड ऑफिसर, अभी से पेपर वर्क शुरू है भाई का। मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई ये एलिजिबल है कि नहीं जहाज के लिए। तो गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, अभी हम लोग पहली फ्लाइट लेंगे फ्रॉम मुंबई टू पेरिस। चले गए हैं, मिली है पर्ची अपन को, चलते हैं। मिक्स फीलिंग है, खुशी भी है क्योंकि प्रमोशन है और डर भी लग रहा है, एंग्जाइटीज़ भी हैं, बहुत कुछ है। आराम से बात करते रहेंगे और जर्नी आपको बताते रहेंगे, तो एंजॉय करना और लाइक ज़रूर कर देना। फ्लाइट जो है बोर्ड कर दी, यहाँ से हम जाएंगे पेरिस। मेरे साथ थर्ड ऑफिसर बैठे हैं, हमने पहले ऑलरेडी हम लोगों ने वेब चेक इन कर लिया था ऑनलाइन, एंड अभी लंबी फ्लाइट है, 9 घंटे की है, चिल मारेंगे साथ में। अकेले होते तो प्रॉब्लम होती है, बट साथ में कोई ना कोई तो बहुत मज़ा आता है। सो गाइस अभी मैं KLPD बताता हूँ के साथ। एक्चुअली जब हमने इन्होंने फ्लाइट बुक की हुई कंपनी वालों ने, तो इसका है वेगन मील। अब वेगन मील क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बस ये। और इसकी ये देखो, होगा इससे व्रत पे हो, आज व्रत पे हो, आज व्रत में आओ। बोला जहाज भाई खाना अभी छोड़ दो। पेरिस पहुंच गए हम लोग, यहाँ पर हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है पनामा के लिए, बट यहाँ पर बहुत ठंड है। फ्लाइट में बहुत मज़ा आया, आधी फ्लाइट तो हम लोग सो गए थे और जो भी बचा था उसमें हमने इतना टाइम पास किया है, इतना टाइम पास किया है। तो 13 के पेरिस फर्स्ट टाइम में चले बाहर देखने। पैसा है टैक्सी का? पैसा? अरे भाई, भाई के पास $60 है। भाई के पास $60 है, इसकी टेंशन लेने का नहीं। तो गाइस पेरिस जो हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट यहीं से ही है, तो यहाँ पर पेरिस पर दिख रहा है क्या? अरे दिखाओ यार पब्लिक को, दिखा। तो गाइस अभी हम लोग कर रहे थे सिक्योरिटी चेक इन, बहुत बढ़िया केस हुआ है चेक इन के टाइम पे। एक सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पे एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी ऑब्वियसली, तो हुआ क्या कि उसने हमसे पूछा इंग्लिश या फ्रेंच, आती कौन सी आती है? हमने बोला इंग्लिश। अभी उसने बोला तो पानी की बोतल है ना इंग्लिश में, इसमें पानी है? हमने बोला कि हाँ है थोड़ा। बोले पी लो। तो अभी मैंने थोड़ा पिया, मैंने फिर इसको दे दिया, मेरे को तो पीना नहीं था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ तेरे साथ। इसने बोला हिंदी में कि उससे पूछो कि पिएगी क्या पानी। अभी ये तो चला गया सिक्योरिटी चेक इन के बाद। फिर जैसे मैं जा रहा था वो हिंदी में बोलती, उसको बोलना मैं पानी नहीं पीऊंगी। ओ भाई मेरी जो फटी है, शेट भाई। भाई याद रखना बाहर आ रहे हो, हिंदी में भी उल्टा सीधा मत बोलना। सो गाइस नेक्स्ट फ्लाइट हमारी है 2 बजे, अभी यहाँ पेरिस में बज रहे हैं 10, काफ़ी टाइम है, हम लोग चिल मार रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ वॉशरूम, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, चिल मारूंगा और फिर थोड़ा खाएंगे पियेंगे यहाँ पे, सब अपना अपना घूम रहे हैं मस्ती में एकदम। सो गाइस हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, थर्ड ऑफिसर कार्ड जो है वो इंटरनेशनल क्या है, वॉलेट मतलब चिकन है ये चिकन। और यहाँ पर क्या लिखा है हमको समझ में नहीं, ये तो पास्ता है, इसमें शायद चिकन है, ये भी पास्ता। सुअर वाला दिखाओ ना। सुअर वाला नहीं चाहिए भाई। हाँ दिखा दिए पब्लिक को, सुअर वाला नहीं चाहिए हमको। ये लेते पार्टी दे रहा है थर्ड ऑफिसर, पार्टी दे रहा है ये।
कार निकाला लड़के ने, चला 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 चला, बहुत पैसे अमीर लोग अप्रूव हो गया रे लड़के। सो गाइस मैं ले रहा हूँ रेड पास्ता, उधर कौन सा है वाइट सॉस पास्ता, बताओ तो सही कैसा है टेस्ट भाई? अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा, तेरे को मेरे को वो वाला अच्छा नहीं लगा, ये वाला अच्छा लगा। अरे अपनी दाल सबको अच्छी लगती है। कॉफी चीयर्स। सो गाइस हम लोग वहाँ से फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं, बट यहाँ पर बहुत प्यारी चीज़ बनाई हुई है, देख रहे हो आप लोग, एक प्यारी सी कैट है, ये पेरिस का सिंबल आई गेस, और वहाँ पर जा रही है कतार, बड़ी प्यारी आ रही है। साला यहाँ पर तो आई नहीं यार, ये तो मस्त चीज़ है भाई, आराम से लेटो यार, एकदम तगड़ा। गाइस बोर्डिंग फ्लाइट फॉर पनामा। सो गाइस पनामा सिटी से हम लोग निकल रहे हैं, और थर्ड ऑप्शन मेरे लिए रील के लिए थोड़ा शूट कर रहा है, मैंने उसको बोला ऐसे करके शूट करने का क्या हंस क्यों रहा है भाई? बना ठीक है, उड़ते बनाना एक मेरे लिए, ठीक है? अभी पहले उसको टैक्सी करते हैं। आई शाबाश। सुबह 11 घंटे की फ्लाइट थी, अभी सिर्फ एक घंटा बचा है, मैं ठंड सोया हूँ। पहली वाली फ्लाइट में मस्त सोया, इस वाली फ्लाइट में मस्त सोया हूँ, और पनामा सिटी हम लोग पहुँचने वाले हैं। अभी तो बस फ्रेश होने के लिए आया था, बट मेरे ना पाँव जो है ना, एक फ्लाइट में 10 घंटे थे, इस फ्लाइट में 11 घंटे थे, झगड़ गए। तो भाई फाइनली पनामा पहुंच गए हैं, यहाँ का टाइमिंग पता नहीं, थर्ड ऑप्शन क्या टाइमिंग है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:20 रात के, तो हम लोग सही टाइम पे पहुँचे हैं। अभी शायद एजेंट पहले इमिग्रेशन होगा, सामान लेंगे, एजेंट लेने आएगा, धीरे धीरे रात जाएंगे, बट अभी मूड सही है ना, मूड सही है। क्या हो गया गाइस? ये मेरे से बहुत चिढ़ता है, अभी वीजा में मैं फंस गया था, बट आपको वीडियो में पता चलेगा क्या हुआ था, यहाँ पे अभी बताएंगे नहीं। तो ये देख लोग जलने लगे, मिलने के बाद दोस्त बने, फिर जलने में लग गए, देखो यही होता है सक्सेस का राज। सो गाइस अभी हम लोग बैगेज लेंगे और निकलेंगे बाहर। भाई नया बैग लाया करो ना, तभी नहीं फटेगा, पुराना बैग था। गाइस अपना आ गया सामान, बट यहाँ पर ट्रॉली के लिए पैसे डालने पड़ते हैं भाई, अपन के पास नहीं है। चलो सो गाइस अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला साइन ऑन ब्लॉग देखा है, तो मैं सेम जगह से आया हूँ, अभी बैगेज जो है वो चेकिंग मतलब सिक्योरिटी चेकआउट कर लिया, और हम लोग अभी निकल रहे हैं पनामा बाहर। अब भी आई थिंक गर्मी होगी ऑलमोस्ट। तो गाइस पनामा बाहर निकल गया भाई, कैसा लगा पनामा? बहुत गर्मी में मुंबई जैसे। ये पहली बार आया, मैं सेकंड टाइम यहाँ से ड्राइविंग कर रहा हूँ, यहाँ नॉर्मल है 26। आ जा तू पहले चल। सो गाइस अपनी टैक्सी आ गई, यहाँ से हम लोग होटल जाएंगे, होटल चेक इन करेंगे अभी। सो गाइस ये रही अपनी टैक्सी, और यहाँ पर अभी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ये रहे कप्तान साहब, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है यहाँ पर, मेरा हो गया। अभी यहाँ पर 30 मिनट लगेंगे हमको होटल पहुँचने के लिए, शायद हमारा जो शिप में ट्रांजिट है वो कल है, तो कल हम लोग शायद चढ़ेंगे, मालूम नहीं कब चढ़ाएंगे, कुछ पता नहीं। अभी हम लोग यहाँ पर होटल चेक इन ही किया है, सबसे पहले अभी जा रहे हैं RT-PCR के लिए, पहले RT-PCR होगा फिर हम होटल में जाएंगे, फिर रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम लोग शिप में बोर्ड कर सकते हैं। भाई हालत जो ख़राब हुई है ना, ये लंबी लंबी फ्लाइट से और दिमाग ख़राब हो गया समझो। सो भाई ये रहा होटल, गाड़ी से आ गए हैं, सामान सब रख लिया, अभी चेक इन करेंगे यहाँ पे, थक गए बहुत ज़्यादा। फाइनल
कलंक है तू कलंक साले ओके वे ट्राई ये व्हाट इज दिस बिहेवियर फॉर दिस साहब 8000 का मतलब कौन सा फ्लोर होता है भाई ये पनामा इंडिया नहीं है पहला पहला नंबर आगे लिफ्ट का जाना भी है हाँ सो ये रहा भाई लोग अपना प्यारा सा रूम सो गाइस ये रूम छोटा सा रूम है काफ़ी प्यारा एक बेड यहाँ पर दिया है यहाँ पर बैठने के लिए वहाँ पर भी ये तो हैंगर है और ये वॉशरूम वाह प्यारा नाइस सो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं रूम में बहुत थक गया यार मतलब 21 घंटे की दो फ्लाइट की हम लोगों ने एक 9 घंटे की आप लोगों को मालूम है 10 घंटे की बहुत टायर्ड हो गए अभी तक शिप जो है वो पनामा में अराइव नहीं हो कल होगा अराइव तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है हम लोगों के लिए कि हम लोग रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर क्या है कि रात को सब बंद हो जाता है होटल में तो हमने बड़ी मुश्किल से अभी चिकन के लिए बोला था तो पिज़्ज़ा आया और एक कोक उसको पी लिया आराम से मैं सोचा था कि एडिट करूँगा बट हिम्मत नहीं है भाई मैं तो सो जाऊँगा और देखते रहना आप लोग ब्लॉग आगे क्या होता है मैं आपको बताते जाऊँगा कि हमको भी कुछ मालूम नहीं है सी फिर इसके लाइफ यही है कुछ पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है लाइफ में यार और यहाँ पर भी वीज़ा का पंगा हो गया था मतलब कुछ पंगा नहीं हुआ था बट मेरा वीज़ा गायब था तो फिर अब इन लोगों की प्रॉब्लम थी उन्होंने फिर वीज़ा निकाला एक घंटा वेट करना पड़ गया किस्मत ख़राब भाई क्या करें भगवान भाई थोड़ा किस्मत बरसाओ अभी फटाफट चेंज करेंगे पहले नहाएंगे तगड़ा वाला यार क्योंकि नहाए नहीं है बहुत सारा फ्लाइट में एकदम पंगा था आएंगे फिर खाएंगे और फिर हम जाएंगे सो जाएंगे ठीक है मिलते हैं आप लोगों को कल नहीं तो देखते हैं अभी कुछ प्रोग्राम तो बने हुए अलाउड नहीं है बाहर जाना है आपको सो गाइस ठंडे पानी से शावर लिया भाई मज़ा आ गया अब आई तगड़ी हुई नींद खाऊंगा अभी पहले मैं फिर थोड़ा उससे मिलूंगा फिर सो जाए सो गाइस गुड नाइट अब हम जा रहे हैं सोने क्योंकि यहाँ बज गए हैं रात के 11:30 बहुत थक गए हैं अभी ये देखो पूरा पनामा दिख रही है सिटी यहाँ से बाहर हमारा 8th फ्लोर पे है बहुत तगड़ा है कल व्यू दिखाऊंगा आपको इसका द नेक्स्ट डे सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम पनामा एक्चुअली मैं जो हूँ वो जल्दी उठ गया था सुबह क्योंकि यार नींद नहीं आ रही थी जेट लैग में हम लोग तो अपना सुखी भाई आ गया और हम लोग यहाँ बैठे थोड़ा चिल मार रहे गाने वाने सुन रहे हैं और व्यू इन्जॉय कर रहे थे बहुत तगड़ा है अभी अराउंड 7:30 हो गए हैं सो अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने आज का सीन कुछ खास पता नहीं है बट इतना पता है कि जो अपना शिप है वो आने वाला है 1800 शाम को तो उसी टाइम के दौरान हम लोग जाएंगे शायद एंकरेज पे ही ज्वाइनिंग होगी मालूम नहीं दिखाता हूँ ब्लॉग में पर अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं ये सुखी भाई का रूम कहाँ का चढ़ा अच्छा तो है भाई यहाँ का व्यू तगड़ा नहीं है ना इतना वहाँ का मस्त व्यू है नहीं यार स्विमिंग पूल ये होटल कोई और होटल का अपना नहीं है नहीं अपना ही होटल भाई सो गाइस बहुत तेज भूख लग रही है भाई खा लिया मैंने तगड़ा अपना सुखी ले रहा है कुछ यहाँ पर ऐसे कुछ बुफे सिस्टम है वाह भाई गाइस आप लोग इनको जानते हो हमारे लास्ट शिप में इस शिप में भी जा रहे हैं हमारे साथ पीटर भाई सो गाइस लैपटॉप निकाल लिया एक्चुअली अभी हमारे पास टाइम है बहुत और मैं सोच रहा हूँ कि लैपटॉप में ना वीडियो एडिट कर देता हूँ फटाफट सो गाइस एक्चुअली मैं ना एडिट कर रहा था मैं एडिट कर लूँगा बट अभी इन्फॉर्मेशन आई है कि जो शिप है वो ऑलमोस्ट 2 बजे पहुँच रहा है और अभी 11 बज रहे हैं तो हम लोग शायद 1 बजे निकल जाएंगे तो सब पैक कर दिया है क्योंकि एजेंट कभी भी आके बोल सकता है चलो भाई तो यहाँ पर लैपटॉप वगैरह था सब मैंने पैक कर दिया बैग में डाल दिया बैग सेट कर दिया अभी आगे का जो भी होगा बताते जाएंगे जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ 2 बजे पनामा टाइम के 2 बजे हम लोग को बुलावा आ गया शिप जो एंकर हो चुका है तो जैसे शिप एंकर होता है एजेंट को पता लगता है एजेंट जो होटल में कॉल करता है कि रेडी रहो 2 बजे तक रेडी रहना हम लोग को मैं तो रेडी हो गया ऑलमोस्ट कुछ तो निकाला नहीं था बस अभी सामान नीचे लेके जाएंगे बाकी सब लोग भी रेडी हो रहे हैं बस फाइनल चेक कर रहा हूँ कुछ छूट तो नहीं गया है बहुत दर्द होगा बदना बाद में
टैक्सी आ गई है, यहाँ पर 5 लोग, वहाँ पर 3 लोग, मैं इसमें जा रहा हूँ, थर्ड ऑफिसर अपना उसमें जा रहा है, मैं इसमें। चलो भाई पीटर भाई कंप्लेन मत करो, व्लॉग में जाएगा बता रहा हूँ, व्लॉग में जाएगा ठीक है। सो गाइस फीटर भाई ने आइडिया दिया है, हम एक्चुअली यहाँ पर वेट कर रहे हैं और वहाँ पर आम का पेड़ है, तो हम अभी आम तोड़ेंगे। फीटर भाई थैला भी ले आए हैं, मजा पूछो। अरे तोड़ सकते हैं सब, ज्यादा मत तोड़ रहा, थोड़ा ही तोड़ना, तोड़ो तोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ पहले पक्का तोड़े क्या चाहिए, उठा लो उठा लो भाई, सही है सही है, वो पक अच्छे अच्छे उठाना। तू वीडियो बना सारा। भाई मेरे साथ मिलके कैसा लग रहा है? भाई हम तो आपके साथ पहले ही मिल चुके हैं, दोबारा मिलने पर डबल खुशी हो गई। yes. कि हम एक साथ काम किए थे, फिर एक साथ काम करेंगे। सो गाइस ये रहा टर्मिनल, हम लोग शायद यहीं से जाएंगे, अभी पहले सामान निकालेंगे यहाँ से सब लोग और उसके बाद चलते हैं। सो भाई सामान जो है हम लोग ने वहाँ से लेकर यहाँ पर डाल दिया है, अब ये वाले बोट में हम लोग निकलेंगे। अभी भाई बैग्स यहाँ पर रखते हैं, अभी स्टार्ट हो गया इनका, हम लोग अंदर बैठेंगे पर नहीं बैठेंगे। ओ भाई लाइफ वो है। सो भाई वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, अब लोग हम अपनी शिप की तरफ जाएंगे, एक्चुअली शिप उस तरफ है। बाय बाय बलबोआ, बहुत बढ़िया था बलबोआ। सो भाई हमारा शिप वो रहा, वहाँ पे दिखेगा नहीं शायद, हाँ हल्का हल्का दिख रहा होगा ये वाला अपना। गाइस ये वाला शिप हमारा नहीं है, हमारा आगे है। इतनी बेइज्जती हो रही है तेरी तो, यहाँ पे कोई आया नहीं, फाइनली चढ़ गए हैं उस बोट से, फट जाती है भाई, लिटरली फट जाती है यहाँ पर चढ़ते जाते। ये दूसरी बार ऐसे मैं चढ़ रहा हूँ, इस बार तो फिर भी ठीक था। फक डिनर करके आ गए हैं, एक बार इंजन रूम भी जाके आया, तो अभी तो यूएमएस में है। सो मेरी कल की वॉच शुरू होगी और मिक्स फीलिंग है, फर्स्ट टाइम प्रमोशन है, अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इंजन रूम टीम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास, मज़ेदार। आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।